तो गाइस मैंने बोला था आप लोगों को हर रोज एक डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को 7000 रुपए एक बंदे का। क्यों देखियो आप लोग? तो गाइस इतना बारिश हो रहा है, बोलो ही मत। बहुत महंगा है ना ये। मैं था रात को इतना अच्छे से सो नहीं पाया देर से। और ये हमारा एक चूल्हा वो खराब हो गया। मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लाने के लिए जा रहा हूँ। और सुनो भाई, इधर ट्रेन की भीतर ही है, थोड़ा उसका तबीयत थोड़ा खराब है और मैं थोड़ा जाके आता हूँ जल्दी। और बहुत ज़्यादा भूख लगा है भाई। ये देखो आज थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा है बोले तो। कल जो ट्रेक किया था ना वो करके थोड़ा सुनो भाई का तबीयत थोड़ा वो हो गया है। तो भाई क्या करे यार, कल थोड़ा एक्सट्रीम लेवली हो गया। हो गया मेरा दर्शन सुबह सुबह हर रोज, अभी तो करने को मिलेगा। भाई अभी गिर जाता। ये देखो इतना वो करके रखा है, बोलो ही मत। सकते हो मैं पराठा लाने के लिए गया था तो बस पहुंच गया अभी। अब तो गाइस वीडियो तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने तो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? तो स्वागत है और एक नई डेली ब्लॉग में। तो ना इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ ना, बोले मत कहते तबाही वाला, मतलब रात को मतलब सो नहीं पाया ठीक से। ये स्नो मतलब और फिर से हो गया इधर, ये स्नो नहीं था अभी वो फिर से कल गया था ना, बहुत तबाही वाला। वैसे आज थोड़ा धूप निकल के आ गया अभी तो। थोड़ा कपड़ा वपड़ा वो बाहर निकालना पड़ेगा, ये सब साफ करना पड़ेगा। बस ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, सोनू भाई गया है बाहर फ्रेश होने के लिए। देखते हैं क्या सीन बनता है आज का दिन, क्या करता है, क्या करता हूँ क्या नहीं। सोनू भाई का तो वो थोड़ा हालत खराब है तो लेट्स सी क्या होता है। और ये हमारा एक चूल्हा वो खराब हो गया, वो नहीं कि वो निकल गया, इसका जो वो गैस सिलेंडर लगाने का वो शीश निकल गया यार, क्या बोले। चलो इसको तो अभी फेंकना पड़ेगा। वैसे मैंने पानी गर्म कर दिया बिकॉज मुझे वो थोड़ा मुंह धोना है तो इसलिए पानी गर्म कर दिया। तो गाइस मैंने बोला था आप लोगों को हर रोज एक डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो इसके मुताबिक मैं भी मैं हर रोज एक अपलोड कर रहा हूँ डेली ब्लॉग। तो गाइस आप लोग भी सपोर्ट करना भाई, बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखना, तभी मेरे को वो होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। और वीडियो को लाइक ठोक के जरूर जाना, और चैनल को अगर नहीं हो आप तो सब्सक्राइब जरूर करना। देख सकते हो ये रहा हमारा टेन, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को हमारा टेन का वो हालत दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ये कैसा हालत होके रखा है भाई, ये सामान उधर, ये सामान भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है भाई, कुछ भी डिसिप्लिन नहीं है। हम ऐसे ही रहता हूँ बस, क्या बोले, बस दिन कट जाए बस भाई। और ये रहा मंदिर, सो सुबह सुबह आपको वो बहुत मतलब सुबह सुबह बहुत वो मन को वो कर देता है, और आप लोग भी वो दर्शन कर लो। और ये भक्तों का भीड़ इधर देख सकते हो आप लोग, बहुत तबाही वाला, मतलब हर रोज भक्तों का भीड़ रहता ही है इधर, वो मतलब नई वाली बात नहीं है कुछ। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, वो इसे ही लाने के लिए गया था मैं अभी तो। अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत काम बचा है बिकॉज कपड़ा वपड़ा बहुत गीला पड़ा है तो उसे धूप में वो रखना होगा। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट करके अभी ये काम करने की सोचा, क्योंकि ये बर्फ हटाने की, क्योंकि पानी जम जाएगा नहीं तो। यार ये काम कर लेता हूँ पहले तो, नहीं तो भाई इधर पूरा पानी टेन के अंदर चला जाता है सब पानी भाई। टेन बजे मैंने वो किया था, थोड़ा बहुत इधर बर्फ था ना साफ करके सो गया था, क्योंकि बहुत मतलब नींद आ रहा था रात को, इतना अच्छे से सो नहीं पाया, देर से बहुत नींद आया। तो अभी लगभग समय 12:30 बज चुका है शायद, एंड मैंने बनाया है कॉफी। ये सारा सामान बाहर निकाल लिया मैंने, और ये बना लिया अभी। और ये भाई मिल गया, भाई कहाँ से हो आप? दिल्ली से हूँ। ओके भाई दिल्ली से है, रात को नींद नहीं आई है। हाँ बहुत ही खतरनाक वाला। अभी दोनों मिलके कॉफी पियेंगे। और तो अभी 2 बज चुका है और हम
बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। वैसे तो मैं तो अभी कॉफ़ी पी के सो गया था थोड़ा बहुत, वैसे आप लोगों को पता ही रात को नींद नहीं आया था हमें, तो इसलिए थोड़ा दिन में आज थोड़ा ज़्यादा ही सो लिया। अभी ऐसा कुछ माहौल है, ओह ये देखो बर्फ, रात को स्नोफॉल हो सकता है लेकिन पता नहीं, इसका तो वेदर का कुछ सीन अलग ही है भाई, तो कब क्या हो जाए कुछ कुछ भी बोल नहीं सकता। ये वाला है आपका VIP गेट, सोनू भाई ने बोला है, सोनू भाई ने बोला है लेकिन मुझे पता नहीं, सबके VIP पास बने हुए हैं लोगों के। अच्छा 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 भाई, भगवान को दर्शन करने के लिए VIP पास भी लेना पड़ता है भाई, हाँ क्या ही बोलो। हमें देख लो ना, हम पिछले कितने दिनों से रुके हुए लेकिन अभी तक दर्शन नहीं किया, हम लोग दर्शन करेंगे, कल शनिवार है हम लोग रुके हुए हैं, मंगलवार को दर्शन कर सकते थे लेकिन उस दिन हालत हमारी खराब थी, उस दिन मिस कर दिया, हम शनिवार के दिन करेंगे, कल शनिवार है तो कल करेंगे दर्शन। तो गाइस आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर इन्फॉर्मेटिव टाइप ब्लॉग बनाना है देन आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा आप लोगों को, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल वाला ब्लॉग डालता रहूँगा मैं, तो इन्फॉर्मेटिव अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप लोगों को मैं बोल दूंगा, आप लोग जस्ट कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको इधर से आ जाओ, नीचे तक, यहाँ से नीचे 70 किलो 80 किलो आते हो आप वजन, और कि पैसा चार्ज कितना लगता है? 7,000 रुपए एक बंदे का, एक बंदे का आने जाने का सौदा 15-16 ओके ओके, कोई कुंटल का भी हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ले जाते हो? सैल्यूट है भाई, कसम से सैल्यूट है ब्रदर, बहुत बहुत। इंस्टाग्राम चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो भाई? 70-80 कुंटल ऐसे वो लोग मतलब वो भारी उठा के ले जाता है, तो गाय सोच सकते हो 70-80 किलो वो वजन उठाने का वो तकलीफ कितना होगा भाई, हमारे से छोटा सा बैग उठाया नहीं जाता है ये लोग ना। और इसका प्राइस है लगभग, रुको, इसका प्राइस है लगभग 15-16 हजार होता है यानी कि आने जाने का, अगर वेट के हिसाब से आपको चार्ज करेगा वो लोग, अगर आप लोग आ रहे हो। ये रुद्राक्ष फल है ना, क्या बोलेगा उसको, क्या बोलेगा भाई इसको, रुद्राक्ष फल बोलते हैं, रुद्राक्ष फल लोग है ना भाई। कितना, 3 पीस में कितना बोला आपने? ये 100 रुपीज पीस है। क्या? 100 रुपीज के 3 पीस। ओ भाई 100 रुपीज के 3 पीस मिलता है गाइस, ये देखो रुद्राक्ष, पानी है पानी, बहुत महंगा है ना ये, घोड़े खच्चर भी तो आ रहे हैं भाई, सामान से आ रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता, गाड़ी कार होती तो हम भी थोड़ा कम में हो जाता, खुद रियलाइज होगा तुम। हाँ पता है भाई, पता है, हाँ प्राइस तो काफी है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जोरे तो इधर तो उसके लिए थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है गाइस। सोनू भाई ड्रोन शो ले रहा है, पूरा ड्रोन उड़ाने में पूरा मगन है, और भाई मेरा ये स्किन देखो पूरा फट चुका है ठंड की वजह से, वाह क्या ही बोले यार, क्या लगाओ क्या नहीं लगाओ, कुछ सजेशन कर देना, कुछ कमेंट में बोलना गाइस क्या लगाने से अच्छा होगा ये भाई, बहुत ही वो हो रहा है, बहुत ठंड है ना इसलिए ऐसा कुछ सीन हो रहा है अभी। और ये मौसम देखो यार, बर्फ स्नोफॉल हो सकता है, मतलब अभी देख सकते हो बहुत ही ज्यादा है, देखियो आप लोग इतना महंगा है भाई, T20 रुपीज, हमारे 5 रुपया में चाय मिलता है हमारे यहाँ, वाह भाई यहाँ 20 और ब्लैक टी, ये देख सकते हो ऐसा कुछ। होटल में हम लोग अभी डिनर करने के लिए आया हूँ, और हम लोग अभी छोले भटूरे खाएंगे अभी, तो देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का छोले भटूरे, टेस्ट करके देखते हैं छोले भटूरे। और वैसे मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आप लोगों को बताइए, बस आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ओके ये आ गया भाई, वाह वाह भाई वाह, चलो तो ये मौसम खराब हो गया, बारिश आने लगा है अभी भाई, बस हम लोग को खाना खा ही लिया था, लोग खाना खत्म हो गया था, अभी बारिश शुरू हो गया, कैन की तरफ जा रहा हूँ अभी, चलो भाई। तो भाई खाना खत्म कर दिया था हम मतलब खा के, बस बारिश शुरू हो गया भाई, क्या ही बोले। और ये भाई साहब की दुकान में अभी रुका हूँ, भाई आपका दुकान है ना ये, आप यहीं से हो,
लोकल। तो भाई बहुत ठंड लग रहा है। और सोनू भाई गया है उधर वॉशरूम। तो गाइस भैया लोगों से पूछता हूँ कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है दर्शन करने का, कौन सा टाइम होता है बेस्ट टाइम? सुबह तीन बजे गाइस। अगर अंदर तक पूरा वो लिंक तक दर्शन करने को मिलेगा। उसके बाद बाहर अच्छा सुबह 3 बजे से कितने बजे तक मिलेगा वो? 5 बजे तक। तो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक आपको पूरा अंदर जाने को मिलेगा। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लो अगर दर्शन करने आ रही हो तो यहाँ ऐसा ही। और ऐसे ये देखो मंदिर यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है, वो देख रहे हो ना जापी और ऐसा मिस। और आसाम का हमारा वो ट्रेडिशन है जो निकी मंदिर पे लगा हुआ है जो देख सकते हो आप लोग ऊपर। तो गाइस इतना बारिश हो रहा है बोलो ही मत यार, मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लाया, अम्ब्रेला कैरी करना भूल गया भाई। और सुनो भाई देखो ना पूरा घूमता रहता है ये देखो जा कहाँ रही हो भाई, कहाँ जा रही हो? मैं पूरा भीग रहा हूँ इधर तो ना वाला। और ज्यादा अगर भीगूंगा तो यार बुखार होने का चांसेस है बहुत। चलो भाई चलो। तो गाइस अगर आप लोग आओ ना इधर केदारनाथ पे, अगर आने का प्लानिंग कर रहे हैं ना तो प्रॉपर शीश के साथ आना आप लोग, क्योंकि यार इधर बहुत ही खतरनाक होता है, मौसम कभी भी बदल जाता है अगर कहीं कुछ ठीक। तो गाइस अभी शाम का से बज चुका है और बहुत बारिश हुआ, बस अभी आके टेंट पहुंचा हूं। और भाई ये रहा आपका छोटा सा डेली ब्लॉग, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना। यार आपका भाई डेली ब्लॉग बना रहे हैं केदारनाथ से, तो यार ज़रूर सपोर्ट बनाए रखना, ज़रूर सपोर्ट बनाए रखना सभी लोग। और मिलते हैं कल और एक नई डेली ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, गुड नाइट।